हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। तो आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन के नीचे देख पा रहे होंगे। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो मतलब 200 एक बुलेट है, राइट? इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड है, और थोड़ी देर बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट हो गया हमारा, 2 पॉइंट हो गया, ये सभी को क्लियर है। अब वो कहता है कि इतना ट्रेवल करने के लिए वो एक वुडन प्लैंक के अंदर 10 सेंटीमीटर चला। अब ये आप ऐसा लगा सकते हैं, ये पूरा एक वुडन प्लैंक होगा जिसके अंदर एक गोली अंदर घुसी थी और चल रही थी। एक पर्टिकुलर हमने सेक्शन ले लिया जिसमें उसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड थी। अब आगे जा रही है, तो अब वुडन ब्लॉक के अंदर घुस रही है, तो भाई वेलोसिटी उसको वो अपोज करेगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा ये हमारी दूसरे डायरेक्शन में होगी, राइट? और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखी है, राइट? तो वेलोसिटी अब क्योंकि हमने लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर और द रिटार्डेशन आपने दे रखे हैं, दे एज्यूमेड टू बी यूनिफॉर्म। तो रिटार्डेशन हमें यूनिफॉर्म लेनी है, राइट? और रिटार्डेशन हमने आपको याद ही होगा, रिटार्डेशन तब होती है जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो साइन होता है वो अपोजिट होते हैं, राइट? तो चलिए अब ऐसे केसेस में क्या करना है। तो सबसे पहले इसको हम केस 1 दे देते हैं। आपको याद होगा केस 1 जो हमारा 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होगा, उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रुक भी जाएगी, तो ये हमारा केस 2 हो जाएगा, राइट? और एक टोटल होगा केस 3। क्या आप लोगों को क्लियर है? केस 1 मतलब जब 1 से 2 जाएगी, केस 2 जब 2 से 3 जाएगी, और केस 3 जब 1 से डायरेक्टली हम 3 का पूरा यूनिफॉर्मली ले लेंगे। ऐसा ही हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी किया था। तो अब हम देखते हैं, तो देखिए उसमें क्या बोला गया था। वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 और वाइल ट्रेवलिंग इन अ वुडन प्लैंक, और उसकी थिकनेस भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें, राइट? तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है। वैसे ये वाला तो न्यूमेरिकल काफी इजी रहेगा, ध्यान से देखिए। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, तो केस 1 ही ले लेते हैं बस, सिंपली केस 1। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड 1 के लिए। इसके बाद हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रखा है, उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, राइट? सब मीटर में, तो इसको ही मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 101 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1/100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/10 मीटर हो गया। ध्यान से देखिए, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए यहां पे कोई भी टाइम टी की बात नहीं हो रही है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 100 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 200 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 1/10 दे रखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, यहां पे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 4 आएगा, माइनस 2 × 4 × 10 की पावर 4 हो जाएगा, और ये हमारा a अपॉन 5 आ जाएगा यहां पे इसको। अब ध्यान से देखिए, इसमें होता क्या, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। 10 की पावर 4 देखिए दोनों में है, तो हम 10 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। अब अगर यहां से 10 की पावर 4 कॉमन ले तो कुछ नहीं रहा, तो यहां पे 1 रह गया, कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना रहे तो 1 रह गया। माइनस ये 4 है तो यहां पे 4 रह गया। ध्यान से देखिए, 1 − 4 तो 3 आ गया, लेकिन माइनस का, क्योंकि 4 का साइन बड़ा है, तो −3 × 10^4 इज इक्वल टू a/5। 5 × 3 का कितना हो जाता है 15, तो −15 × 10^4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने आपको याद है साइंटिफिक नोटेशन बताई थी, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कि पॉइंट हम एक डिजिट के बाद ही लगा देते हैं। तो ये 10^5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारी रिटार्डेशन आ जाएगी जो आंसर है, राइट? ना हम यहां पे तो एक्सेलरेशन के बारे में ही पूछा गया था, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता था कि बताइए और कितनी आगे जाके रुकेगी? अगर ये ऐसा कुछ पूछा होता तो हम क्या करते, राइट? तो केस 2 लेते। तो पहले केस 1 लेके हम एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसके बाद केस 2 लेते और क्या लिखते कि इनिशियल वेलोसिटी 2 केस के लिए, केस 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 100 हो जाएगी, क्योंकि हम केस 2 की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो अब 100 मीटर पर सेकेंड
फाइनल वेलोसिटी जो केस टू है वो जीरो हो जाएगी, राइट, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहां तो रुक गई, जो हमारी जो बुलेट थी वहां तो रुक गई थी, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल ही लिया, -1.5 × 10^5 m/s². तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो वापस से फॉर्मूला लगा देंगे क्या, v² - u² = 2as, राइट। अब अगर हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखिए, तो v फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 100² इंटू 2 × -1.5 × 10^5 इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट 2as, तो ये देखिए 10^4 हो जाएगा क्या, माइनस का साइन ही आएगा, 15 × 2 = 3 हो जाएगा, 1.5 × 2 × 10^5 इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस से माइनस कैंसिल, 10^4 से 10^5 कट जाएगा तो 1 ही रह जाएगा बस, तो 1/3 × 10^1 = displacement आ जाएगा, तो मीटर में है। अब मीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100/30 cm = displacement, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 3.3 cm, तो ये आ गया 3.3 cm। तो इसका मतलब जो केस टू है, जो हमारा 2 से 3 पॉइंट तक जाने के लिए जो डिस्टेंस निकला वो 3.3 cm हो गया। तो अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट से यहां तक, तो क्या दोनों को ऐड कर दूंगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल या डिस्टेंस, इसके लिए स्ट्रेट लाइन है तो दोनों में सेम ही रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर आ जाएगा 13.3 cm, राइट। तो थैंक यू, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।